ये तो मैं खुद को लकी मानती हूँ और ऑडियंस को हमेशा, इसीलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ, बहुत सारा प्यार देती हूँ, क्योंकि जैसे पॉजिटिव अगर कुछ है तो नेगेटिव भी आते हैं. तो जैसे वो कमेंट्स आने लगे थे तो आई वाज लाइक यार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ओटीटी का सबसे बड़ा बूस्ट कोविड के टाइम आया था. ओटीटी बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी. मैं एक्चुअली, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं जो मुझे करीबी तरीके से जानते हैं कि मैं बहुत वियर्ड हूँ. तो रज्जो को तो मैं हमेशा ही मिस करती हूँ, क्योंकि लाइक मेरे लाइफ का सबसे पहला प्रोजेक्ट था और उसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिला. एंड ऑल्सो मैं रज्जो के सेट से बहुत पास रहती हूँ, तो वो रास्ता जिससे मैं रोज़ सेट पे जाती थी वो मुझे रोज़ दिखता है. एंड जैसे कैरेक्टर आप प्ले करते हो वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है. एंड जब आप अपने रेगुलर लाइफ में वापस जाते हो तो ऑब्वियसली बहुत मिस होता है. एंड सबको मिस करती हूँ, मतलब हमारे डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, कैमरा टीम, एंड ऋषि सर जो हमारे लाइक डीओपी थे, उनसे मेरी अभी भी बात होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है. कुछ भी स्टोरी में डालती हूँ वो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. ये तो मैं खुद को लकी मानती हूँ और ऑडियंस को हमेशा, इसीलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ, बहुत सारा प्यार देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप कभी होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत टाइम से काम कर रहे हो, पर वो रिकग्निशन उस टाइम पे मिल नहीं पाती है. और कई बार क्या होता है, आप कुछ कर लेते हो और वो अचानक ऐसे जस्ट क्लिक हो जाता है ऑडियंस के साथ. तो इसको मैं किस्मत कहूँ या टाइमिंग ऑफ थिंग्स कहूँ पता नहीं, पर मैं इस मामले में लकी रही हूँ. तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे. तो अमेज़ॉन मिनी टीवी पे रिलायंस डिजिटल प्रोडक्शन के हाउस के अंदर मैंने रिसेंटली एक शो किया जिसका नाम है एम्बर गर्ल स्कूल. एंड उसमें मैंने एक पंजाबी टीनेज लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम ओजस है. एंड बहुत ही चैलेंजिंग था कैरेक्टर प्ले करने का, क्योंकि मुझे पंजाबी सीखनी पड़ी उसको प्ले करने के लिए. एंड हमने पटियाला में शूट किया था, तो बहुत मज़ा आया. हमने बहुत सारा पंजाबी खाना खाया, हम गुरुद्वारे गए, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. एम्बर गर्ल जो है वो शायद सेकंड सीजन है, फर्स्ट सीजन में भी आप ही थे. तो एक सीजन अगर हिट होता है तो सेकंड सीजन में भी आपको भी अप्रोच किया जाता है, उसे किस तरीके से देखती हैं आप? क्योंकि वो डिपेंड करता है एक्चुअली, जैसे स्टोरी पे डिपेंड करता है कि अगर स्टोरी एक ही प्रोटैगनिस्ट के ऊपर है तो अगर आप दूसरा सीज़न बनाओगे तो आपको उसको लेना पड़ेगा. और कई बार क्या होता है, जैसे आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं या थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो ऑडियंस उस कैरेक्टर को एक एक्टर में अपने माइंड में बिठा लेते हैं. जैसे क्या होता है, इवन टीवी में हो या वेब सीरीज़ में हो, अगर आप एक कैरेक्टर को एक्टर चेंज कर देते हो तो कई बार ऑडियंस उसको अपना नहीं पाती है. और कई बार बहुत आसानी से अपना लेती है. तो उस हिसाब से वो बस, मतलब अगर क्लिक करे ऑडियंस के साथ तो अमेजिंग है, वरना अगर एक्टर चेंज किए जाते हैं तो भी चांसेस है कि ऑडियंस को ना पसंद आए या पसंद भी आए, तो डिपेंड करता है. पहले टीवी शो थे, मूवी थे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा वेब सीरीज, वेब ओटीटी पे. तो आप इस चेंज को किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि ओटीटी का सबसे बड़ा बूस्ट कोविड के टाइम आया था. ओटीटी बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी पर लोग उतना देखते नहीं थे. पर जैसे जो टीवी ऑडियंस है वो भी मैक्सिमम अभी शायद ओटीटी में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि जैसे कोविड के टाइम बहुत सारे सीरियल के जो शूट होते हैं वो रुक गए थे, क्योंकि बहुत प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ रहे थे. तो उस वजह से उसमें बहुत ही मतलब ग्रोथ में चेंजेस आए. तो अभी मैं भी, मतलब आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग ओटीटी फैन, तो मैं हमेशा कोई ना कोई रैंडम वेब सीरीज़ या वेब शो देखते रहती हूँ. तो अगर आप एक बहुत ही अच्छा शो बना देते हो ओटीटी में, फिर तो सॉर्टेड है सब कुछ.
जैसे आपने बताया कि जो आपकी वेब सीरीज आ रही है उसमें पंजाबी गर्ल का, तो कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए? क्योंकि देखा जाए तो डिफरेंट लुक, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट तैयारी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो जैसे हम कभी कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो डेफिनेटली हर एक्टर, मतलब जब एक कैरेक्टर प्ले करता है उसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत तैयारी होती है, बहुत दिनों की मेहनत होती है पूरे टीम की. तो डायरेक्टर और राइटर पे डिपेंड करता है कि वो लोग उस मतलब कैरेक्टर को कैसे परसीव कर रहे हैं. तो मेरा जो कैरेक्टर था वो प्योर पंजाबी नहीं बोल रहा था, पर जब पंजाबी लोग हिंदी बोलते हैं तो पता चलता है. तो हमें सबसे ज़्यादा काम डायलेक्ट पे करना पड़ा, जैसे घर को कर बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं. तो उस हिसाब से मज़ा आया था, पर मुश्किल रहा था. मतलब मैं लिटरली सोच रही थी कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो मतलब पता नहीं क्या करूँगी. पर धीरे धीरे जाके फिर हम लोगों ने सबने मिल के साथ में काम किया वर्कशॉप्स पे, एंड इट वर्कड आउट लकीली. तो जैसे मतलब मैंने जो शो किया उसमें ज़्यादातर सीन्स में मैं थी, तो मुझे तो ज़्यादा छुट्टी नहीं मिला. लाइक ऑलमोस्ट हर दिन मैं शूट कर रही थी 45 डेज़ के शेड्यूल में. तो उस हिसाब से लाइक जितना दिन भी छुट्टी मिला, मैं दादा साहिब वहाँ पे जो दरगाह है बहुत फेमस, वहाँ पे गई. फिर हम गुरुद्वारे गए, फिर हमने बहुत सारा खाना खाया, छोले कुलचे खाए, फिर एक्सप्लोर तो किया. क्योंकि चंडीगढ़ में हमारा शूट रॉक गार्डन में हो रहा था, तो सुखना लेक में हुआ. फिर उसी मतलब लोग वही घूमने जाते हैं, हम शूट भी वही कर रहे थे, तो घूमना और शूट साथ में हो गया. तो पहले जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था, पिक्चर्स वायरल हुए थे, तो आई वॉज़ वेरी थ्रिल्ड कि लोग भी जैसे एफर्ट्स देके रील बनाते हैं या फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो वो वायरल हो जाती, तो उनको बहुत खुशी मिलती है. पर धीरे धीरे मतलब जैसे पॉजिटिव अगर कुछ है तो नेगेटिव भी आते हैं. तो जैसे वो कमेंट्स आने लगे थे तो आई वाज लाइक यार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे बस 2.5 साल हुए इंस्टाग्राम खोले. मतलब मुंबई आने से जस्ट पहले मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये सोशल मीडिया पे ये लोग कुछ कमेंट पास करते ये वो, तो वो कैसा होता होगा. तो इनिशियली बहुत इफ़ेक्ट करता था, पर अभी तो मैं सब कुछ पॉजिटिवली लेती हूँ. तो मैं एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं, जो मुझे करीबी तरीके से जानते हैं, कि मैं बहुत वियर्ड हूँ. तो मुझे एक वियर्ड कैरेक्टर प्ले करना है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो, लाइक कभी भी कुछ भी कर रहा है. एंड दैट विल कम नेचुरली टू मी, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मैं वैसी ही हूँ. तो अगर मुझे वैसा एक कैरेक्टर मिले प्ले करने को जिसमें मुझे बहुत क्रिएटिव लिबर्टी हो, तो मैं बहुत खुश होंगी. एंड ऑल्सो मुझे एक ग्रे कैरेक्टर प्ले करना है कभी अगर मौका मिले, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरी फेवरेट फीमेल एक्टर तो आलिया भट्ट ही है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है. पर जैसे हम कोई एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं स्क्रीन पे देखते हैं, कई लोग होते हैं जो एक स्टेबल परफॉर्मेंस देते हैं. आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, बट स्टेबल परफॉर्मेंस. बट मैंने आलिया भट्ट को देखा है लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके गंगूबाई तक. मतलब उन्होंने इतना वेरिएशन दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट आया है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल है. तो उस हिसाब से मैं भी चाहूँगी कि मैं भी ऐसी ग्रोथ लाऊँ कभी. एंड मेल एक्टर तो हमेशा शाहरुख खान. मेरा फेवरेट रियलिटी शो तो बहुत टाइम से, जब से खतरों के खिलाड़ी आया है, मैं देखते हुए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है. जैसे मतलब कूदना हाइट से, कीड़ों के साथ जाना, स्नेक्स पकड़ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है उन सब में. तो मैं चाहूँगी कि मुझे अगर कभी मौका मिले तो डेफिनेटली करना चाहूँगी. अगर वेब सीरीज की बात करें तो किस मतलब आधार पर दिखाया गया, उसका मतलब देखा जाए क्या कहानी हो सकती है जो अभी आपने शूट किया है, क्या कहानी किस बेसिस पे दिखाया गया?
तो मैंने जो अमेज़ॉन प्राइम का जो शूट अभी ख़त्म किया है माँ का सम, उसमें मिहिर आहूजा मेरे ऑपोजिट में है एंड उनकी मॉम का रोल मोना सिंह प्ले कर रही है. उसमें अंगिरा धर है, रणवीर ब्रार है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं वो. तो इनिशियली तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने जब मुझे बोला कि ये कास्ट है तो आई वाज लाइक कि परफॉर्मेंस प्रेशर तो और ज़्यादा आ जाती है क्योंकि जब आप अंडर परफॉर्म करते हो स्क्रीन पे बहुत पता चलता है कि यार मतलब इस एक्टर ने इसकी परफॉर्मेंस भी मतलब ओवरशैडो कर दी. तो मुझे उस चीज़ का बहुत डर था, पर एवरीवन वाज वेरी नाइस टू मी. वो लोग बहुत ही स्वीट थे तो थिंग्स डिड वर्क आउट एंड अभी उम्मीद है कि ऑडियंस को भी पसंद आए. पर वो कैरेक्टर मैं यूजुअली जैसी हूँ या मैंने जैसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अभी तक वो बहुत ही अलग है बिकॉज़ मैंने बहुत वार्म स्वीट रोल्स प्ले किए हैं. जो प्राइम वाला शो अभी आपको देखने को मिलेगा उसमें कैरेक्टर बहुत ही रॉ और रफ है, तो इवन स्टाइलिंग वाइज. सो जस्ट उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए. कहानी क्या दिखाई? कहानी ऐसी है कि जो लड़का है इट्स मैथ्स रिलेटेड, जैसे स्टूडेंट लाइफ के ऊपर ही है. तो अभी इससे ज़्यादा आप लोग देखोगे तो पता चलेगा. फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा. थैंक यू. फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे.